हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कमाल के प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करती है, और ये कंपनी ज़्यादातर स्टार किड्स को ही प्रोडक्ट समझ के जकास से लॉन्च करती है गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, ये एक इंडियन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो फिल्में लॉन्च करती है, फिल्में प्रोड्यूस करती है, और ये ज़बरदस्त स्टार किड्स को भी लॉन्च करती है। तो सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे स्टार्ट हुई। गाइस, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री 1979 को फाउंड हुई थी, और इस ये कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है, और इसके जो फाउंडर है वो है यश जौहर। तो यश जौहर जी ने इस कंपनी को जो है फाउंड किया था। ये कंपनी ज़्यादातर दो काम करती है, एक फिल्म प्रोडक्शन करती है और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो पहला हम समझते हैं फिल्म प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। सो फिल्म प्रोडक्शन को अगर हम समझे तो एक फिल्म को शूट करना, फिल्म बनाना, फिल्म की स्टोरी लिखना, फिल्म स्क्रीन राइटिंग करना, एडिटिंग करना, प्री प्रोडक्शन करना, ये सब चीज़ें फिल्म प्रोडक्शन में आती हैं। उसके बाद सेकंड काम इनका जो है वो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझें तो एक फिल्म को मूवी थिएटर तक पहुंचाना, लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, टेलीविज़न पे दिखाना, उसको DVDs, म्यूज़िक, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। 2004 में यश जौहर की डेथ के बाद ये कंपनी जो है करण जौहर ने टेक ओवर कर ली। तो आजकल ये कंपनी जो है धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये करण जौहर रन कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1980 से लेकर 1998 तक की। सबसे पहली पिक्चर आई थी 1980 में, राज कौशल साहब की डायरेक्टेड फिल्म दोस्ताना, और इस फिल्म के जो स्टार कास्ट थे श्री अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा एंड जीनत अमन, ये मेन किरदार थे इस मूवी के दोस्ताना। ये काफ़ी टॉप अर्निंग में रही ये पिक्चर। 1984 में रमेश तलवार जी की डायरेक्टेड की गई मूवी दुनिया, जिसके मेन किरदार थे दिलीप कुमार, ऋषि कपूर एंड अमृता सिंह, तो ये मेन करेक्टर थे इस मूवी के। 1984 में इसको भी धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से प्रोड्यूस किया गया। 1987 में एक और पिक्चर लॉन्च की गई जिसका नाम था मुकद्दर का फैसला। ये जो पिक्चर थी ये डायरेक्ट की थी प्रकाश मेहरा, प्रोड्यूस बाय यश जौहर, और इसके जो स्टार कास्ट थे वो थे राजकुमार, राज बब्बर, मीनाक्षी एंड टीना एंड प्राण। इसके बाद 1990 में एक और पिक्चर लॉन्च की अग्निपथ। इस पिक्चर के मेन किरदार थे अमिताभ बच्चन। ये खासा बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं कर पाई, खासा सक्सेसफुल नहीं रही पिक्चर, बट इस पिक्चर ने नेशनल फिल्म अवार्ड जो था वो विन किया। इसके बाद 1993 में एक और पिक्चर रिलीज हुई जिसका नेम था गुमराह। इसके डायरेक्टर थे महेश भट्ट और प्रोड्यूसर रहे यश जौहर, और ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, और इस पिक्चर के मेन जो किरदार थे वो थे संजय दत्त। अब हम बात करेंगे 1998 to 2009 के पीरियड के बारे में। तो 1998 में एक पिक्चर रिलीज की गई कुछ कुछ होता है। ये पिक्चर डायरेक्टेड बाय करण जौहर एंड प्रोड्यूस बाय यश जौहर, ये भी धर्मा प्रोडक्शन के अंदर ही लॉन्च की गई। इस पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो थे शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी एंड सलमान खान। ये भी पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई, इस पिक्चर को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, इस पिक्चर को काफ़ी अवार्ड भी मिले। 2001 में करण जौहर ने पिक्चर लॉन्च की कभी खुशी कभी गम। ये पिक्चर के मेन किरदार थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर। ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई और बहुत बड़ी सक्सेस रही इंडिया के लिए, काफ़ी सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली पिक्चर बनी इन द मार्केट। 2003 में निखिल अडवाणी जी की डायरेक्ट की हुई मूवी कल हो ना हो लॉन्च की गई। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो करण जौहर थे, रिटन बाय करण जौहर। तो ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों को पसंद आई, ठीक है। और अगर इस पिक्चर के मेन किरदारों की बात करूँ तो इस पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो थे जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, और काफ़ी किरदार और भी थे जो काफ़ी मशहूर थे,
और ये पिक्चर लोगों को काफ़ी पसंद आई। 2005 में एक और पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था काल। ये पिक्चर डायरेक्ट की गई सोहम शाह और इसके प्रोड्यूसर है करण जौहर एंड शाहरुख खान। मेन किरदारों की बात करूँ तो जॉन ओब्रायन, विवेक ओब्रॉय, लारा दत्ता, आयशा देओल और जो मेन लीड रोल था वो था अजय देवगन का। तो ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों को पसंद आई और ये पिक्चर ने 19 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी। इसके बाद 2006 में एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा पिक्चर लॉन्च की गई, ठीक है, जो डायरेक्ट की गई थी बाय करण जौहर अंडर द धर्मा प्रोडक्शन बैनर। इस पिक्चर का नाम था कभी अलविदा ना कहना। यह 2006 में लॉन्च हुई और इसके जो मेन करेक्टर्स थे, जो मेन स्टार्स थे, वो थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा। और ये पिक्चर मेरे को देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जो कहते हैं ना एक फिल्मी दुनिया के जो मेन करेक्टर्स थे वही सारे डाले गए, कोई बाहर का करेक्टर या न्यू करेक्टर्स में भी लॉन्च नहीं किया। ये पिक्चर बहुत अच्छी सक्सेस रही, काफ़ी अच्छी पिक्चर रही, डायरेक्टेड बाय करण जौहर थी, प्रोड्यूस बाय हीरो यश जौहर और करण जौहर ने मिलकर डायरेक्ट की, रिटन बाय करण जौहर। और इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन ने लॉन्च की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी, ठीक है, इस मूवी का नाम था दोस्ताना, ठीक है। ये मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रही। इस पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो थे अभिषेक बच्चन, जॉन ओब्रायन और प्रियंका चोपड़ा। ये काफ़ी लोगों को पसंद आई और काफ़ी अच्छी अर्निंग की इस पिक्चर ने। इसके नेम था वेकअप सेट। ये पिक्चर 2009 में आई थी। इस पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो अजय मुखर्जी थे, प्रोड्यूसर करण जौहर। और ये पिक्चर काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी लोगों ने इस पिक्चर को जो है पसंद किया। अब मेन इस पिक्चर के करेक्टर्स की बात करूँ, मेन जो हीरोज़ की बात करूँ, रणबीर कपूर, अनुपम खेर, राहुल खन्ना, कश्मीरा शाह और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया किरदार इस पिक्चर में थे और काफ़ी लोगों को ये पिक्चर पसंद। के बाद 2009 में एक थ्रिलर मूवी को लॉन्च किया गया, गुरबान। ये पिक्चर 2009 में आई थी और ये पिक्चर भी प्रोड्यूस की गई थी करण जौहर के द्वारा की गई। और इस पिक्चर के मेन किरदार थे सैफ अली खान, करीना कपूर, ओम पुरी, किरण खेर, विवेक ओब्रॉय और दिया मिर्जा। ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। उसके बाद 2010 में धर्मा प्रोडक्शन के अंदर एक ड्रामा फिल्म लॉन्च की गई जिसका नेम था माई नेम इज़ खान। ये पिक्चर डायरेक्ट की गई करण जौहर के द्वारा। इस पिक्चर के काफ़ी खास किरदार हैं जैसे शाहरुख खान, काजोल, जिम्मी शेरगिल और भी काफ़ी किरदार इस पिक्चर में हैं और ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों ने पसंद की, ठीक है, इसको भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। इसी साल इन्होंने एक और पिक्चर लॉन्च की जिसका नेम था आई हेट लव स्टोरी। 2010 में ये पिक्चर आई थी, ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के जो मेन करेक्टर थे वो सोनम कपूर एंड इमरान खान थे। ये पिक्चर जो थी ये रिटन और डायरेक्टेड की गई थी पुनीत मल्होत्रा के द्वारा और प्रोड्यूस अंडर करण जौहर। तो और ये धर्मा प्रोडक्शन बैनर के अंदर ही रिलीज की गई इस ये पिक्चर। और ये भी अगर आप देखो तो ये भी पिक्चर एक स्टार किड्स के द्वारा ही लॉन्च की गई है। आप जितनी पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ आप चेक करके देख सकते हो, बहुत कम आपको नए किरदार पिक्चरों में नज़र आएंगे। तो ये भी पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई है, हेट लव स्टोरी। धर्मा प्रोडक्शन बैनर के अंदर एक और मूवी लॉन्च की गई जिसका नेम था वी आर फैमिली। तो ये जो पिक्चर थी ये एक हॉलीवुड मूवी थी, 1998 की स्टेप मॉम मूवी का ही एक रीमेक था। और ये पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो थे सिद्धांत पी मल्होत्रा और ये डायरेक्टेड बाय करण जौहर। और ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों को पसंद आई और इस पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो काजोल, करीना कपूर और अर्जुन रामपाल थे। ये खासा पिक्चर लोगों को पसंद तो आई लेकिन खास अर्निंग नहीं हुई इस पिक्चर से। इसके बाद 2012 की पहली पिक्चर जो लॉन्च हुई वो हुई अग्निपथ। ये पिक्चर धर्मा बैनर के अंदर लॉन्च हुई, ठीक है, और ये पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो करण जौहर थे, ठीक है, और ये डायरेक्ट की गई थी करण मल्होत्रा के द्वारा। इसमें जो स्टोरी थी वो सेम एज इट इज़ 1990 में लॉन्च हुई अग्निपथ की तरह ही थी। इसमें सिर्फ आपको जो करेक्टर्स हैं वो थोड़े चेंज देखने को मिलेंगे, जैसे उसमें अमिताभ बच्चन थे, इसमें ऋतिक रोशन, संजय दत्त, ऋषि कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, जीना वाहेब, तो ये काफ़ी करेक्टर्स चेंज किए गए। और ये अब पहले 1990 में जब ये पिक्चर लॉन्च हुई तो खास लोगों को पसंद नहीं आई, बट अब जो है ये पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई और काफ़ी अर्निंग हुई इस पिक्चर से।
2012 में एक और पिक्चर रिलीज की गई, एक मैं और एक तू। ये पिक्चर एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, 2012 को लॉन्च की गई थी। और ये पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो थे शकुन बत्रा, प्रोड्यूस बाय करण जौहर। और ये पिक्चर भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। और इस मूवी के जो मेन किरदार थे वो करीना कपूर, इमरान खान, रत्ना पाठक, ठीक है, और इसमें भी स्टार किड्स ही थे। इसी साल एक और पिक्चर रिलीज हुई जिसका नेम था स्टूडेंट ऑफ ईयर। 2012 में ये पिक्चर लॉन्च हुई, ठीक है। ये पिक्चर डायरेक्ट की गई थी करण जौहर के द्वारा और प्रोड्यूस बाय हीरो यश जौहर और गौरी खान। इस पिक्चर की मेन बात ये जो इस पिक्चर की जो स्टार कास्ट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। सिद्धांत मल्होत्रा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, ऋषि कपूर। और ये पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद भी आई, इसका पार्ट टू भी बना, ठीक है। और आजकल यही मेन हीरोज़ हैं जो आजकल पिक्चरें बना रहे हैं, अच्छी अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं। और ये एक कॉलेज लाइफ के ऊपर ये पिक्चर बनी थी, ठीक है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। उसके बाद 2013 में धर्मा प्रोडक्शन के अंदर एक और पिक्चर रिलीज की गई, वो उसका नेम था गिप्पी। गिप्पी भी एक अच्छी एक लड़की के बारे में पिक्चर थी। ये खासी कमाई तो नहीं कर पाई लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आई ये पिक्चर। इसके बाद सन 2013 में एक पिक्चर रिलीज की गई, ये जवानी है दीवानी। ये काफ़ी लोगों को, काफ़ी यूथ को काफ़ी पसंद आई ये पिक्चर जो थी, डायरेक्टेड की गई थी अजय मुखर्जी के द्वारा और प्रोड्यूसर थे इसके करण जौहर। और इसमें काफ़ी अच्छे करेक्टर्स भी थे, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और माधुरी दीक्षित। तो काफ़ी स्टार कास्ट जो थी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आई थी ये पिक्चर। तो ये उन बिग पिक्चर्स में थी। ये पिक्चर ऐसी थी जो सेकंड पिक्चर बनी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने वाली, थ्री इडियट्स के बाद ये सेकंड मूवी थी जिसने 300 करोड़ कमाया था। तो इस पिक्चर को काफ़ी अवार्ड भी मिले इस पिक्चर के बाद। 2013 में एक और पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था द लंच बॉक्स। ये पिक्चर काफ़ी हिट रही। ये पिक्चर को डायरेक्ट किया था रितेश बत्रा ने और इसके पिक्चर के जो प्रोड्यूसर थे आठ प्रोड्यूसर थे इस पिक्चर के, ठीक है। ये प्रोड्यूसर दो चार का मैं नेम आपको बता देता हूँ, सिद्धार्थ रॉय कपूर, करण जौहर, विवेक, अरुण, गुनीत मोंगा। तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया था, ठीक है। और मेन जो इसके करेक्टर थे वो थे इरफान खान, निमरत कौर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये भी पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, ये काफ़ी बढ़िया पिक्चर है, ये अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी अच्छी है ये। इसके बाद 2013 में एक और पिक्चर रिलीज़ की गई जिसका नेम था गोरी तेरे प्यार में। ये पिक्चर जो थी ये पुनीत मल्होत्रा के द्वारा डायरेक्ट की गई थी और ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस पिक्चर के करेक्टर्स थे करीना कपूर खान और इमरान खान। तो ये पिक्चर भी खासा हिट तो नहीं रही बट कई लोगों को काफ़ी पसंद है। 2014 में धर्मा प्रोडक्शन ने तीन रोमांटिक कॉमेडी मूवीज जो थी वो लॉन्च की, जैसे पहले की 2014 में हंसी तो फंसी, ये कॉमेडी मूवी थी। ये इस पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो परिणीति चोपड़ा थे, सिद्धांत मल्होत्रा थे। काफ़ी कमाई करी इस पिक्चर ने, ये एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर थी। इसी के बाद 2014 में एक और रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर जो थी वो धर्मा बैनर के अंदर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जिसका नेम था टू स्टेट्स। ये पिक्चर डायरेक्ट की गई थी अभिषेक वर्मा के थ्रू और ये इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे करण जौहर, साजिद नादियावाला, ठीक है। और ये पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई, ठीक है। इस पिक्चर के मेन जो किरदार थे वो थे आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, रौनित रॉय, अमृता सिंह, शिव कुमार। तो ये काफ़ी बढ़िया करेक्टर्स थे इस पिक्चर के और काफ़ी लोगों को पसंद आई। और इसी के साथ 2014 में तीसरी पिक्चर जो रोमांटिक लॉन्च की, एग्जैक्ट तीन पिक्चर इन्होंने लॉन्च की थी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़। तो तीसरी है हंटी शर्मा की दुल्हनिया, इसे आप जानते होंगे, ये आलिया भट्ट और वरुण धवन इसके मेन करेक्टर्स थे, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी पिक्चर थी ये। और इसी दौरान इन्होंने एक और पिक्चर लॉन्च की थी ब्लैक कॉमेडी, जो पिक्चर थी उसका नेम था उंगली। ये भी 2014 में ही लॉन्च हुई थी। इसके बाद 2015 में एक बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो लॉन्च हुई थी। ये पिक्चर काफ़ी मेरे को पसंद आई, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पिक्चर थी। इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा हाई अर्निंग्स हुई। इस पिक्चर का नाम था बाहुबली द बिगनिंग। ये 2015 में लॉन्च हुई, ये एपिक एक्शन फिल्म थी, ठीक है।
डायरेक्टर बाय एस एस राजा मौली और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे प्रशांत और शोभू। ये पिक्चर काफी लोगों को पसंद आई, बहुत हाई अर्निंग हुई इस पिक्चर की। 15 में एक और पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था ब्रदर, और ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी। ये पिक्चर काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये एक अमेरिकन मूवी वॉरियर का ही रीमेक था। और इस पिक्चर के मेन किरदार की बात करूं तो इसके मेन किरदार थे अक्षय कुमार, सिद्धांत मल्होत्रा, जैकलिन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ। काफ़ी लोगों को ये पसंद आई पिक्चर। प्रोडक्शन और फैंटम फिल्म के कलेबोरेशन में एक पिक्चर बनाई गई जिसका नाम था शानदार। इसमें स्टार कास्ट थी वो थे शाहिद कपूर एंड आलिया भट्ट। तो ये काफ़ी अच्छी पिक्चर लगी, लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया। इसके बाद मार्च 2016 में एक पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था कपूर एंड सन्स। इसमें मेन किरदार थे ऋषि कपूर, रजत कपूर, जावेद खान, सिद्धांत मल्होत्रा, आलिया भट्ट। ये भी पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई। उसी दौरान सितंबर 2016 में एक और पिक्चर रिलीज की गई। ये पिक्चर डायरेक्ट की थी नित्या मेहरा ने। ये एक रोमांटिक ड्रामा पिक्चर थी जिसका नाम था बार बार देखो। ये पिक्चर को प्रोडक्शन थी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ। इस पिक्चर के मेन किरदार थे कटरीना कैफ एंड सिद्धांत मल्होत्रा। इसके बाद अक्टूबर 2016 में एक पिक्चर और रिलीज की गई। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा पिक्चर थी ए दिल है मुश्किल। इस पिक्चर के मेन किरदार थे अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन। और ये पिक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आई, काफ़ी लोगों ने इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा देखा, काफ़ी अर्निंग्स हुई। इसके 2016 में एक और पिक्चर रिलीज की गई। पिक्चर के जो मेन किरदार थे वो आलिया भट्ट और शाहरुख खान थे। ये पिक्चर डायरेक्ट की गई थी गौरी शिंदे, प्रोड्यूस बाय गौरी खान, गौरी शिंदे एंड करण जौहर। इसी दौरान जनवरी 2017 में एक और पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था उक्के जानो। इस पिक्चर के जो स्टारकास्ट थे वो दित्या रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की ये पिक्चर थी। 2017 में ही लॉन्च की गई बद्री की दुल्हनिया। ये पिक्चर भी वरुण धवन और आलिया भट्ट इस पिक्चर के मेन कैरेक्टर्स थे, ठीक है। और ये 2014 में आई पिक्चर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का ही एक तरह का फॉलोअप था। उसी से ये स्टोरी जो थी उसी से कैरेक्टर्स वगैरह उठा के उसी को दोबारा एक तरह का पेश किया गया, पर थोड़ी सी कहानी चेंज करके। उसके बाद अप्रैल 2017 में एक ऐसी पिक्चर रिलीज होती है जिसका नाम है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी रही, ठीक है। ये मूवी आप लोगों ने, जिसने नहीं देखी है तो मुझे लगता है आप सब ने ये पिक्चर देखी होगी। ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट रही है पिक्चर। इसके बाद अगली पिक्चर जो लॉन्च की गई इत्तेफाक। 2018 में एक और पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था राजी। इस पिक्चर के किरदार थे आलिया भट्ट, विक्की कौशल। 2019 में एक पिक्चर रिलीज की गई जिसका नाम था केसरी, ठीक है। ये पिक्चर अनुराग सिंह इस पिक्चर के डायरेक्टर रहे। ये पिक्चर भी काफ़ी हिट रही। ये पिक्चर के मेन स्टार कास्ट थे अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा। इस पिक्चर ने 200 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अर्निंग की, ठीक है। ये भी काफ़ी हिट पिक्चर्स में एक है। और फिर भी मेरे को पता नहीं इस पिक्चर को क्यों नहीं अवार्ड दिए गए। इस पिक्चर से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस पिक्चर से लगी, मैं अपना राय बताना चाहूँगा। इस पिक्चर के अगर आप गाने उठा लो और गली बॉय के गाने उठा लो तो आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। तो ये 200 करोड़ की अर्निंग रही इस पिक्चर की। तो गाइस लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर इसमें से आपने कोई भी मूवी देखी है, आपको कोई भी मूवी बहुत पसंद है इनमें से, तो प्लीज़ एक लाइक तो उस मूवी के लिए कर देना और नीचे कमेंट में उस मूवी का नेम बता देना। प्रोडक्शन की बात करूँ और करण जौहर की बात करूँ तो ज़्यादातर मुझे जो है स्टार किड्स ही हर एक पिक्चर में नज़र आए, ठीक है। बहुत कम पिक्चरें हैं जिसमें नए करेक्टर्स जो है वो लॉन्च किए गए या दिखाए गए।